वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एनएवएस डीएलएड का मामला आपको पता ही है, ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है। कब तक ऑर्डर आ सकता है और क्या एनएवएस डीएलएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएगा, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर चलती हैं और इसमें बताया जा रहा है कि एनएवएस डीएलएड पर खतरा है, वो बाहर हो जाएगा। प्राइमरी से जिस प्रकार से सुनवाई हुई है, आप लोगों ने भी इस प्रकार की खबरें देखी और सुनी होंगी। सबसे पहले तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ले जाना चाहूँगा, जहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगी इस मामले की। देख सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है और मामला आप देख लीजिए, 38557 38557 ये है डायरी नंबर। 2022 का केस है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस नंदन सिंह बोहरा, ये है मामला एनआईओएस डीएलएड वाला। और आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो मामले को रिजर्व कर लिया गया है, हर्ड एंड रिजर्व। मामले को पूरी तरीके से सुन लिया गया है और रिजर्व कर लिया गया है। इस मामले का कोई भी ऑर्डर नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट से, तो अभी आपको किसी भी भ्रम में, किसी भी अफवाह में नहीं रहना है। जब मामले को रिजर्व किया गया था तो उस समय अधिवक्ताओं द्वारा ये खबर दी गई थी, ये जानकारी दी गई थी कि दिवाली और छठ के बाद इसका ऑर्डर सुनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अब इधर कई छुट्टियां पड़ गई हैं और ऐसे में जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग इस मंथ के लास्ट तक, नहीं तो दिसंबर में आप मानकर चलें कि जो ये ऑर्डर है वो सुनाया जाएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारी भर्तियां हैं जो इससे प्रभावित हो रही हैं और उत्तराखंड की भर्ती सीधे सीधे प्रभावित हो रही है। साथ ही साथ बिहार की जो शिक्षक भर्ती अभी हुई है, सातवें फेज का पहला चरण, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड छात्रों को मौका मिला था, एनआईओएस डीएलएड वालों को, उनको नियुक्ति मिली है, विद्यालय का आवंटन तक हो गया है। तो अभी बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है एनआईओएस डीएलएड वाले छात्रों को। छठे चरण में भी आपको मौका मिला था, सातवें चरण के फर्स्ट पेज में जहाँ प्राइमरी की भर्ती थी वहाँ पर भी मौका मिला। छात्रों ने परीक्षा दी, जो क्वालिफाई हुए उनको डीवी कराया गया, काउंसलिंग हुई और विद्यालय आवंटन भी हुआ। पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर आपके पक्ष में है। पटना हाई कोर्ट ऑलरेडी एनआईओएस डीएलएड को प्राइमरी में एलिजिबल मान चुकी है। हालांकि अब जो ऑर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट से, ये अंतिम और सर्वमान्य ऑर्डर होगा और इसी के आधार पर अब पूरे देश की भर्ती पूरी होगी और जो एनआईओएस डीएलएड के छात्र हैं उनको सीधे सीधे प्रभावित करेगा और देश भर से जो कन्फ्यूज़न है वो भी समाप्त होगा। क्योंकि लाखों छात्र हैं एनआईओएस से डीएलएड किए हुए और हमेशा से ये डाउट बना रहता है, हमेशा से खुद ये छात्र कन्फ्यूज रहते हैं कि हम करें तो क्या करें, कहीं हमें बाहर ना कर दिया जाए। तो पहली चीज़ यहाँ पर ये है कि अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं आया है और ऑर्डर इस मंथ के लास्ट तक, नहीं तो दिसंबर में आने की प्रबल संभावना है। और जो खबरें हैं, जो लोग कह रहे हैं कि एनआईओएस बाहर हो जाएगा, वो इस आधार पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन जो लंच के पहले की सुनवाई हुई थी उसमें ज़रूर ये लग रहा था कि एनआईओएस डीएलएड का जो पक्ष है वो कमज़ोर पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद एनआईओएस के अधिवक्ताओं ने अपने मामले को मजबूती से रखा, अपनी बात को जज साहब को समझाने की कोशिश की। हालांकि कई बार जज साहब ये सवाल पूछते रहे कि ये इन सर्विस टीचर के लिए है और 18 माह वर्सेस 24 मंथ का जो मामला है, इस पर भी कई बार जज साहब ने काउंटर किया, उन्होंने सवाल जवाब किया। लेकिन इस सवाल जवाब के आधार पर आप ये बिल्कुल भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि फैसला एनआईओएस डीएलएड के अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि जब मामला ही यही था कि ये 18 माह का कोर्स है या 24 माह का कोर्स है, इन सर्विस टीचर के लिए है, तो क्या ये सरकारी भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं। जब यही मामला है तो जज साहब तो ये सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे, तो इसको लेकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इससे पहले भी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोर्ट की सुनवाई में जो चीज़ें लगती हैं, कई बार फैसले उसके अलग आते हैं, क्योंकि जज साहब उस मामले को समझने की कोशिश करते हैं और बार बार वो सवाल पूछते हैं, लेकिन देखने और सुनने वालों को लगता है कि ये मामला उनके अगेंस्ट जा रहा है। तो फिलहाल डीएलएड के छात्रों ने, जो उनके वकील थे, उन्होंने अपनी बात को पहुंचा दिया है, अपनी मांगों को, अपने मुद्दों को जज साहब के सामने रख दिया है। बाकी अंतिम फैसला जज साहब को लेना है, उन्हें इस मामले में क्या सही लगता है। और जैसे ही ऑर्डर की डेट फाइनल होगी, ये जो स्टेटस है यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखने लगेगा और पता चल जाएगा कि किस दिन ऑर्डर इसका सुनाया जाएगा। तो अभी तक कोई भी डेट फिक्स नहीं है, जब फिक्स होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और
मैं फिलहाल कहूँगा कि 50-50% है ये मामला, ठीक है, डीएलएड अंदर बाहर, ठीक, ये मैं मानता हूँ कि मामला 50-50% का है। ये नहीं कहा जा सकता है कि एनआईवीएस डीएलएड बाहर हो चुका है, और मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि अंदर ही हो गया है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो लोग नियुक्त हो गए हैं, जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, वो ज़्यादा परेशान ना हो। आप देख सकते हैं कि बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया कि वो प्राइमरी में अब एलिजिबल नहीं रहेंगे। और आप देखिए जिन राज्यों में बीएड के छात्रों को प्राइमरी में नियुक्ति मिली, आप यूपी को ही देखिए, यहाँ पर 69,000 में कितने हज़ार छात्र बीएड वाले हैं जो नौकरी कर रहे हैं, और ये छात्र ब्रिज कोर्स भी नहीं किए हैं, जबकि ये प्रावधान था कि नौकरी के 2 साल के अंदर अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। उसके बावजूद ये छात्र नौकरी कर रहे हैं और उनकी नौकरी पर कोई भी खतरा नहीं है। तो एक बार ज्वाइनिंग जब मिल जाती है तो उनको निकालना आसान नहीं होता है। सरकार भी पूरी कोशिश करेगी और बचाव करेगी आपकी। तो नियुक्त जो हो चुके हैं वो तो फिलहाल परेशान ना हो, यदि फैसला अगेंस्ट में भी जाता है, लेकिन फैसला क्या होगा इसके लिए तो इंतज़ार करना होगा। बाकी आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर नज़र बनाए रख सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया डायरी नंबर 38557 सन 2022, और मामले का नाम है द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस नंदन सिंह वोरा, क्योंकि ये मामला उत्तराखंड से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तो फिलहाल आप लोग टेंशन फ्री रहें, किसी को ज़्यादा परेशान, किसी को ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी जानकारी आगे निकलेगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जब कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर सूचना दी जाती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।